नमस्कार, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बसपा सुप्रीमो मायावती अब बीजेपी की क्लास ले रही हैं, ढंग से ले रही हैं। कभी कभी कर जाए गड़बड़, लेकिन अब दमदारी दे क्लास ले रही हैं। और काय पे लियो है क्लास? क्लास लई है कानपुर हिंसा मामले में, और बढ़िया तरीका दे लई है। ये जो भांग बोरे का हैं, अरे जब तुम भांग बोओगे तो आम थोड़ी आएंगे, भांग ही तो आवेगी। भांग बोलो गलत तो ना है, सही है ना? अरे जब भांग बोओगे तो भांग काटोगे, यह में क्या बात है। और इनके नेता माशाल्लाह एक ते बढ़ गए एक है। सवेरे ते शाम तक भांग बोने को ही काम है। कहीं भांग बो दें, कहीं अफीम बो दें, कहीं कछु और बो दें, और बाद में सब नशा में झूमते रहे, वही को नतीजा आएंगे। आ जाओ बसपा सुप्रीमो ने क्या कही है, या बात पे आ जाओ। पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर भाजपा नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करी है। सीधी कानूनी कार्रवाई की मांग करी है बसपा सुप्रीमो ने। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कानपुर हिंसा प्रकरण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करी है। उन्होंने कही है कि देश में सभी धर्मन को सम्मान जरूरी है, काई भी धर्म के नहीं है। आपत्तिजनक भाषा को इस्तेमाल उचित बिल्कुल नहीं है। यह मामले में भाजपा को भी अपने लोगन पर सख्ती से शिकंजा कसना चाहिए। केवल उनको निलंबित करने या निकाल देने से काम नहीं चलेगा, उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, बल्कि उनको सख्त कानून के तहत जेल भेजा जाना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि कानपुर में अभी हाल ही में जो हिंसा हुई है वह की तह तक जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही यह हिंसा के विरुद्ध है रही पुलिस कार्रवाई में निर्दोष भाजपा ने धर्म विशेष के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर अपने दोनों प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को 6 साल के नई पार्टी से निलंबित कर दियो है। खाली निलंबित करने से काम नहीं चलेगा, इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और बुलडोजर के दर्शन इनको भी होने चाहिए कायदे में। तो जब इतना सब कछु बढ़िया चल रहा और सब जगह बुलडोजर चल रहा हो, तो बुलडोजर को इनको भी दर्शन करवाए जाने चाहिए जो भांग बो रहे हैं। तो वाही वाही होगी कि हाँ एक ही नजरिया थे सब देख रहे हैं। और अगर अपने इनको बचाओगे और दूसरे इनके घरन में गिराओगे तो सीसा आपकी बिल्डिंग में भी लगे हुए हैं, पत्थर उन पर भी पड़ेंगे। बात को मेरी को समझ रहे होगे। आपको कमेंट करके बतानी है कि जो कोई भांग बो रहे हैं तो कि तो यही काटेंगे, और समाज या को दंश झेलेगी और झेल रही है। लेकिन नशा में चूर हैं लोग, सोचने समझने को कोई तैयार ना है। बस जोश में होश खो रहे हैं। न महंगाई याद है, न बेरोजगारी याद है, कोई चीज याद ना है। बस क्या याद है? जय श्री राम। बात को समझ गए होगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।